हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब बात उस खबर की, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से लगातार दूसरे मामले खुलते रहे। बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन की जांच आगे बढ़ने वाली है। बड़ी खबर यह है कि इसको लेकर आज दिल्ली में एनसीबी के अधिकारियों में बैठक होने वाली है। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा मुंबई से देर रात दिल्ली पहुंचे हैं और वो सभी दस्तावेज डीजी को सौंपेंगे। अच्छा, आपको याद दिला दें कि ड्रग्स कनेक्शन में बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों के नाम सामने आने की जोरदार तरीके से चर्चा है और केपीएस मल्होत्रा ये वही एनसीबी के अधिकारी जो मुंबई में थे, जिन्होंने लगातार रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की और इसी पूछताछ के आधार पर अब एनसीबी आगे बॉलीवुड में ड्रग्स के तार खगालने की जुगत में सीधे रुख करते हैं। और जानकारी के लिए मनोज वर्मा हमारे साथ मौजूद है। मनोज, क्या जानकारी मिल रही है? आपको बताना चाहेंगे, जो एफआईआर नंबर 16/20 थी, यानी कि जो रिया चक्रवर्ती से जुड़ी हुई एफआईआर थी, उसकी जांच जो है लगभग पूरी हो चुकी है और जो 15/20 एफआईआर है उसकी जांच अब शुरू की जा रही है। और उसी जांच में ये सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड के अंदर एक बहुत बड़ा ड्रग सिंडिकेट चल रहा है और उस सिंडिकेट को लेकर एक अहम बैठक की जा रही है। कई बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों के नाम इस पूरे मामले के अंदर सामने आ रहे हैं, तो उन्हें सम्मन दिया जाएगा। उसी को लेकर के एक बड़ी जो मीटिंग है वो दिल्ली के आरकेपुरम का जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ऑफिस है वहां पर चल रही है। खुद केपीएस मल्होत्रा जो कि इस मामले की जांच कर रहे थे वो यहां पर मौजूद थे, लेकिन कल देर रात उनको दिल्ली बुला लिया गया है और मीटिंग अब से बताया जा रहा है थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी और वो सारे दस्तावेज, सारी जो जांच है वो अपने डीजी को सौंपेंगे, जो अस्थाना जी हैं उनको सौंपेंगे। और उसके बाद ये देखना होगा कि आगे की जांच कैसे आगे बढ़ेगी और वो कौन सी हस्तियां हैं जिनको सम्मन देकर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। बड़ी जानकारी मनोज वर्मा दे रहे हैं कि देखिए, इस वक्त एनसीबी के जो बड़े अधिकारी हैं वो चर्चा कर रहे हैं। जिस तरीके से ड्रग्स के जो तार हैं वो बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, अब चर्चा इस बात पर की जा रही है कि किन किन को किस किस समय पर समन भेजा जाए। बॉलीवुड के बड़े चेहरे हो सकते हैं इस जांच से बेनकाब।